गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, DC247 चैनल में आपका स्वागत है। और मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को जो कि हर एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे PSC हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो। मैं विविध से क्वेश्चन ले रहा हूँ। और कौन सा क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को, कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए भारत रत्न, थोड़ा मैं इसकी कहानी बता देता हूँ आप लोगों को, जिसको हमेशा आपको याद ना करना पड़े, याद हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा भारत रत्न के बारे में। दोस्तों मैं बताना चाहूँ, जो भारत रत्न है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है। दोस्तों बताना कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। और वर्ल्ड का कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, अपने भारत का कौन सा है? भारत रत्न। और वर्ल्ड का कौन सा है? नोबेल प्राइज। ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1901 में नोबेल प्राइज, और भारत रत्न कब इस्टेब्लिश हुआ आपका? 1954 में इस्टेब्लिश हुआ। चलिए और बताता हूँ, ठीक है, भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। भारत रत्न साहित्य, कला, विज्ञान, जनसेवा के क्षेत्र में जो है आपका भारत रत्न दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कई बार अब एग्जाम में पूछा है कि भारत रत्न प्रथम बार किसे दिया गया, तो डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कौन? डॉक्टर AS राधाकृष्णन साहब को मिला था पहली बार। याद रखिएगा, डॉक्टर AS राधाकृष्णन, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डॉक्टर AS राधाकृष्णन के बर्थडे में कोई दिवस बनाते, कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर AS राधाकृष्णन के बर्थडे में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर ए भी क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर AS राधाकृष्णन जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोस्तों बताना चाहूँगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। याद रखिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु। याद रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से, एग्जामों में आ चुका। नेक्स्ट 1955 में लेते हैं, 1955 में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को मिला जो कि सभी लोग जानते हैं, भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज। नया इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज से जो के हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1966 में किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। एग्जाम में आ चुका है कि मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा, मुगल सराय। अब मुगल सराय का नाम भी अभी परिवर्तित हुआ, उसका नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1990 में आते हैं, 1990 में किसे दिया गया? भीमराव अंबेडकर को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जामों में जो आपके भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूँगा भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्र भूमि, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में नहीं, कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, 1997 में किसे मिला? APJ अब्दुल कलाम साहब को मिला। याद रखिएगा, बहुत बड़े विद्वान थे और ये जो है साइंटिस्ट भी थे बहुत बड़े, याद रखिएगा, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आप लोगों को, जो आपके APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपके रामेश्वरम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। आगे बढ़ते हैं, 2001 में मिला किसको? लता मंगेशकर को मिला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम में पूछता है स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को जाना जाता है, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से? MP में, कहाँ से? इंदौर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं 2014 में, तो सचिन तेंदुलकर को मिला, और किसको मिला? CN राव को मिला। दोस्तों किसका नाम है? सचिन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन आया है एग्जामों में, दोस्तों बताना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक कहाँ मारा था? तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में, कहाँ मारा था? ग्वालियर में। कहाँ? रूप सिंह स्टेडियम में मारा था, जो कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 2015 में किसे मिला? किसको मिला? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके? ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका पेपरों में, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? कौन है अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी डेथ हो गई है 2018 में।
साथ में मिला था किसको, मदन मोहन मालवीय को, इनको जो था मरणोपरांत दिया गया था, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 में किसे मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, और किसको मिला, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका का। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। प्रणब मुखर्जी, ये प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। किस नंबर के, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, चित्रकूट सतना से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत बड़े क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं, इनके इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जो थे बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े संगीतकार थे और निर्माता थे, और इनके नाम पर जो है पुल भी बनाया गया है, उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि कहाँ बना हुआ है, असम में, 9.2 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, दो फैक्ट और बताने वाला हूं जो कि आप लोग को अभी तक एग्जाम में नहीं मिला है, अब आ सकता है एग्जामों में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आते हैं 1977 में आते हैं, तो दोस्तों बताना चाहूँगा 1977 में जो है जनता पार्टी ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है या आएगा एग्जामों में कि भारत रत्न को कब बंद कर दिया गया था, तो 1977 में जो है भारत रत्न को जनता पार्टी ने क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया। जस्ट तीन साल बाद इंदिरा गांधी की जब सरकार आई या कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो उसे पुनः चालू कर दिया। उस समय जो प्रथम अवार्ड मिला, किसको मिला, मदर टेरेसा जी को मिला, जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से, अल्बानिया से, और जो है भारत में कहाँ से बिलोंग करती हैं, कोलकाता से, और इनको निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।